हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू खत्री एजुकेयर। आज का हमारा वीडियो है मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 3, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स को हम प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से समझ चुके हैं। इनके जो वीडियोस हैं उनके जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार उसको आप अच्छे से डिटेल में पूरा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम उसका थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे करेंगे और साथ ही साथ दूसरे टॉपिक जैसे कि HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो का पहला टॉपिक लेते हैं, वो है फैक्टर। अब फैक्टर क्या होते हैं? ए फैक्टर इज अ नंबर। फैक्टर क्या होता है? नंबर होते हैं कौन से, विच एग्जैक्टली डिवाइड्स अनोदर नंबर। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मतलब पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, उसमें कोई रिमाइंडर वगैरह नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि एक नंबर लिया मैंने 4 नंबर। अब इस 4 नंबर को मैं डिवाइड करता हूं सबसे पहले 1 से, तो क्या आएगा? 1 4 4, कंप्लीट एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, कोई भी यहां पे रिमाइंडर नहीं बचा है। तो 1 क्या हो गया? 1 है इज अ फैक्टर ऑफ 4। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, 1 के बाद लेता हूं 2 को। अब 2 2 4, ये 2 2 2 4, तो 2 क्या हो गया? 2 भी हो गया 1, इज अ फैक्टर ऑफ 4। इसके बाद लेता हूं मैं 3, 3 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, यहां पर 4 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आता है 4, 4 1 4 कितना आया? 1 टाइम। तो 4 जो है, 4 क्या है? इज अ फैक्टर है ऑफ 4। देखिए ये जो नंबर है, इन नंबर से जब हम ये जो दिया गया नंबर 4 को डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? 1 2 एंड 4 ऑल आर फैक्टर्स ऑफ क्या है? 4 के। और ये जो प्रोसेस हमने किया है, डिवाइड बाय 1 किया, 2 किया, 4 किया, और यहां से हमने जो फैक्टर निकाले हैं, तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। ये जो फैक्टर निकालने का प्रोसेस है, ये जो फैक्टर हमने निकाले हैं, ये प्रोसेस कहलाएगा फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होंगे? तो हम क्या कहते हैं, यहां पे हमें दे रखा है एक नंबर, दे रखा है 5। इस 5 नंबर के क्या करना है? मल्टीपल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए काउंटिंग नंबर, एक चाहिए जो नंबर चाहिए जो आपको दिया गया है, जिस नंबर के आपको मल्टीपल्स निकालने हैं वो नंबर चाहिए, और क्या चाहिए? ये मल्टीपल्स। आपको नंबर दे रखा है 5, इस 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? काउंटिंग नंबर लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये सो ऑन।
अब नंबर दे रखा है 5, 5 के मल्टीपल्स निकालने, तो आप यहां पे लिखिए 5, इसके नीचे भी 5, इसके नीचे भी 5, यहां पे 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 भी 5, और ये सो ऑन ऐसे चलेगा। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होगा, काउंटिंग नंबर इनटू जिस नंबर के मल्टीपल आपको निकालने हैं। तो 1 इनटू 5 करेंगे तो क्या मिला 5, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, 4 इंटू 5 किया तो 20, 5 इंटू 5 किया तो 25, 6 इंटू 5 किया तो 30, 7 इंटू 5 किया तो 35, 8 इंटू 5 किया तो 40 एंड सो ऑन। तो क्या हुआ, जो नंबर दे रखा है 5, इसके मल्टीपल्स क्या मिले, इसके मल्टीपल्स मिले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। कैसे मिले, इस नंबर को काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे आपको अगर 5 की जगह अगर सपोज कि 2 दे रखा है या कोई भी नंबर है, तो उस नंबर को आप काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको उस नंबर के मल्टीपल्स आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जो मल्टीपल्स हमने देखे, इन मल्टीपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करें तो मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स है वो क्या होंगे, वो हो गए द नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर के इक्वल और उससे बड़े। तो 5 दिया यहां पे, तो देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। 10, 15, 20, 25, तो देखिए क्या हुआ, मल्टीपल जो हुआ 5 का वो क्या हुआ, ग्रेटर और इक्वल टू 5, 5 के बराबर है, बाकी सब नंबर बड़े हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ये कहती है कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर क्या होंगे, या तो इक्वल होंगे उस नंबर के या फिर उस नंबर से ग्रेटर देन होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी, ए नंबर कैन हैव मैनी मल्टीपल्स, एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। जैसे कि 5 का क्या था, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो एक कोई भी नंबर हो उसके मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर, सबसे छोटा मल्टीपल किसी नंबर का क्या होता है, इज द नंबर इटसेल्फ, वह नंबर खुद ही होता है। देखिए वह नंबर खुद क्यों होता है, मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को काउंटिंग के साथ में, और सबसे पहला काउंटिंग में नंबर आता है 1। तो 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर खुद ही आएगा। इसलिए जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो होता है वह नंबर खुद ही। नेक्स्ट टॉपिक आता है इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो द नंबर्स दैट हैव 0, 2 और मल्टीपल्स ऑफ 2 इन द यूनिट प्लेस आर डिविजिबल बाय 2। अब देखिए वो नंबर्स जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस में, यानी कि राइट साइड, सो सबसे फर्स्ट नंबर है राइट साइड में, यूनिट प्लेस यानी कि वंस का जो प्लेस है वहां पर या तो 0 हो, 2 हो या फिर 2 के मल्टीपल्स में नंबर हो और डिविजिबल 2 से पूरा डिवाइड हो सके, वो नंबर्स कहलाते हैं इवन नंबर्स। जैसे कि 0 है, ये 0 लिखा, 2 है, 2 का मल्टीपल्स क्या आएगा, 2 का मल्टीपल्स आएगा 4, 6, 8। ये किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे हो और 2 से पूरा डिविजिबल हो, वो नंबर कहलाएगा इवन नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, इस टाइप से नंबर लिया। अब देखिए नंबर एंड कहां पे हो रहा है, एंड हो रहा है विद 0 और 2 से डिवाइड कीजिए, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये
फिफ्टीन टाइम्स और क्या है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, डिविजिबल है बाई टू से, तो ये नंबर हो गए इवन नंबर। टू, ट्वेल्व, थर्टी टू, सेवेंटी, सेवेंटी टू, या इस टाइप के नंबर है। देखिए ये टू टू टू, जीरो टू, ये सारे नंबर क्या है, ये भी एंड होते हैं विथ ये जो दिया गया नंबर है, या फिर जीरो एंड टू के साथ में, ये जीरो है टू है, और ये सारे के सारे ये जो नंबर है ये सारे भी क्या है, डिविजिबल है बाई टू से, तो ये सारे नंबर भी क्या हुए, इवन नंबर है। जैसे आपको बताया फोर है, सिक्स है, एट है, तो मैं यहां पे नंबर लेता हूं कुछ नंबर, 424, 326, 448। तो अब ये देखिए ये जो नंबर है बड़ा नंबर है भले, लेकिन का जो यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस मीन्स एंड कहां पे हो रहे हैं, ये नंबर हो रहा है फोर पे, सिक्स पे, एट पे, और ये डिविजिबल है बाई टू से, तो ये सारे नंबर्स जो है ये हो गए इवन नंबर्स, यानी कि इसके पीछे जीरो हो या टू हो, टू के मल्टीपल्स हो, और वो डिविजिबल हो बाई टू से। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट, जो नहीं है क्या है, इवन नंबर्स। तो जो इवन नंबर्स नहीं है वो सारे नंबर हो गए ऑड नंबर्स। तो अब देखिए यहां पे जब बात करते हैं तो यहां पे नंबर क्या हुए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो ये 10, 12, 14, फिर 16, ये मल्टीपल्स हो गए। अब इसके अलावा के नंबर तो कौन से हो गए, 1, फिर 3, 5, ये देखिए 6 और 8 के बीच का 7, 8 और 10 के बीच का 9, फिर 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 15 एंड सो ऑन, इस टाइप से। अभी एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, देखो मैं आपको समझाने के लिए जो है यहां पे लेता हूं कि यहां पे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, ये आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। अब यहां पर आपको इन नंबर्स में से इवन नंबर्स कौन से हैं वो लिखने हैं, और ऑड नंबर कौन से हैं वो यहां पर लिखने हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, ऑड इवन नंबर क्या होते हैं, जिसके पीछे जीरो हो, 2, 4, 6, 8, और 2 से डिविजिबल हो। तो देखिए ये 4, 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14, ये 18, और ये 22। ऑड नंबर कौन से हो गए, जो नंबर इवन नहीं है, तो रिमेनिंग क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये हो गए ऑड नंबर, ये हो गए इवन नंबर। तो ये डेफिनेशंस जो आपको दे रखी है, ये डेफिनेशन से आप आराम से समझ सकते हैं और आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं ऑड नंबर कौन से है और इवन नंबर कौन से है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। अब दो नंबर कौन से, कोई भी दो नहीं, इसमें एक तो होना चाहिए 1, सेकेंड होना चाहिए द नंबर इटसेल्फ। दो कौन से फैक्टर, एक 1 तो होना ही चाहिए, और दूसरा जो आप नंबर की बात कर रहे हैं वह नंबर खुद होना चाहिए, जैसे कि 5, 7, 11, 13, ये जो नंबर है ये हो गए प्राइम नंबर। अब जैसे देखिए फैक्टर लेते हैं, अगर सपोज की फैक्टर ऑफ 7 की बात करें,
फैक्टर ऑफ 11 की बात करें तो 7 में ऐसे कौन से नंबर है जिनके हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 को तो कर ही सकते हैं, 1 7 जा 7, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 7। ये देखिए दो ही ऐसे नंबर है जिससे हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं, और या 1 की टेबल में 7 आता है और 7 की टेबल में 7 आता है, इसके अलावा और कोई टेबल में 7 नहीं आता। वैसे ही 11 है 1 से और 11 से। आप देखिए 1 11 जा 11 और 11 1 जा 11। अब इसके अलावा बीच का कोई भी नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे उसमें 11 नहीं आएगा। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर। तो 7 है वो प्राइम नंबर हो गया, 11 है वो हो गया प्राइम नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, दो रहेंगे तो प्राइम और दो से ज्यादा होते ही वो नंबर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर बन जाएंगे। और उसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि 12 है, 18 है, 21 है, 27 है। अब देखिए यहां पर देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 आर, फैक्टर्स ऑफ 18 आर, फैक्टर्स ऑफ 27 आर। 12 के कौन से होंगे, देखिए 1 तो होगा, 2 करेंगे तो 2 6 जार 12, 3 करेंगे तो 3 4 जार 12, 4 करेंगे तो 4 3 जार 12, 5 नहीं आएगा, 6 करेंगे तो 6 2 जार 12 और 12 खुद। 18 के लिए 1 2 3 6 9 and 18, देखिए 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 2 9 जा 18, तो देखिए कितने फैक्टर है, दो से ज्यादा है। 27 के लिए आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, 27 खुद आएगा। तो ये क्या हो गए, कॉम्पोजिट फैक्टर। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं एक ऐसा नंबर जो एक स्पेशल नंबर है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं नंबर 6 की। अब 6 के फैक्टर्स देखते हैं अगर, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 1 6 जा 6 2 3 जा 6 3 2 जा 6 और कौन सा आएगा, 6 इटसेल्फ। अब देखिए अगर आप ये तीन नंबर को 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं, 6 के फैक्टर में इन तीन को आपस में ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 आ गया। अगर ये फैक्टर्स है इनको ऐड करने पर जो दिया गया नंबर खुद आता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 6 करने से क्या होगा, नंबर इटसेल्फ जो 6 था, 6 ही हमें मिला, ये नंबर कहलाएगा परफेक्ट नंबर। अब यहां पे देखिए मैं 27 की बात करता हूं तो तीन नंबर मिलते हैं 1 3 एंड 9, इनको मैं ऐड करता हूं तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 12 होता है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। यहां पे देखिए 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 और 1 प्लस 1 हो गया 21, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है, फैक्टर ट्री मींस एक्सप्रेस करना है कोई भी एक नंबर है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में ही वो प्रोडक्ट में आना चाहिए। कैसे, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक नंबर है 24, ये मैं लिया 24 को, ठीक है। अब 24 को मैं करता हूं यहां पे एक नंबर 2 से डिवाइड किया तो 2 यहां पे आया 12, ये 2 में 2 1 और 4 में 2 2। अब ये 2 क्या है, ये हो गया प्राइम,
और ये क्या हो गया? कॉम्पोजिट। ये प्राइम नंबर क्यों हो गया? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके खाली दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और दूसरा नंबर वो खुद। और ये कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसका वन और उसके अलावा दूसरे और भी फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अगेन डिवाइड किया दो से, यहां पर आया सिक्स, ये प्राइम नंबर हो गया और ये हो गया कॉम्पोजिट। अगेन यहां पे टू से किया, यहां पे थ्री किया, अब देखिए ये टू भी प्राइम है, थ्री भी प्राइम है, तो रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये बनाया ए प्राइम, ए प्राइम, ए प्राइम, प्राइम, ए प्राइम, इससे ज्यादा हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो ट्री बन गया है ये है फैक्टर ट्री, और ये सारे इसमें प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स हैं। अब बात आती है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होती है? पिकअप दोज प्राइम नंबर्स वेयर द डिफरेंस इज टू। अब देखिए प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर कौन से हैं? जैसे कि टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, उसके बाद इलेवन है, थर्टीन है, उसके बाद में आपको मिलेगा सेवनटीन मिलता है, नाइनटीन मिलता है। अब आपको ऐसे दो पिक करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस टू होता है। अब देखिए टू और थ्री कितना डिफरेंस है? वन का है, तो नहीं। थ्री और फाइव कितना डिफरेंस है? टू का, तो थ्री और फाइव, ये हो गया ट्विन प्राइम, दो प्राइम एक साथ, और जिसका जो डिफरेंस है टू है। फाइव सेवन डिफरेंस टू का है, सेवन इलेवन कितना है? फोर का है, इलेवन थर्टीन टू का है, थर्टीन सेवनटीन फोर का गैप है, और सेवनटीन नाइनटीन कितना है? टू का। तो ये हो गए ट्विन प्राइम्स, ये जो नंबर है आर ट्विन प्राइम्स हो गए। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैथ्स के ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।